क्या मैं सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ? हेलो, हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड जेल का गवर्नर बोल रहा हूँ। बोलिए जी, क्या काम था? सर, मेरे पास एक कैदी है, मुकेश नाम का कैदी है। वो आगे पढ़ना चाहता है। मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? अच्छा, तो क्या आप कैदी से पेपर दिलवाना चाहते हो? हाँ, आपकी क्या राय है? क्या उसे मौका देना चाहिए? हमें उसे एक मौका देना चाहिए। पढ़ाई में वो कैसा है? सर, वो अपनी कोठरी में अकेला ही है और रात को ट्यूशन लेता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही होगा। अच्छा, तो उसका व्यवहार कैसा है? स्वभाव में तो बहुत ही अच्छा इंसान है और मजाकिया भी है, लेकिन वो 2-3 बार जेल तो चुका है। लेकिन अब की बार आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? कागज कार्रवाई की चिंता मत करना, और मैं संभालने वाले टीचर को भेज दूंगा। क्या वो पेपर देगा कहाँ पे? वो एग्जाम अपनी कोठरी में ही दे सकता है क्या? अच्छा, तो वो पेपर कोठरी में देगा। चलो, मैं एक टीचर को भेज देता हूँ। थैंक यू सर, हम आपके आभारी रहेंगे। अरे गवर्नर साहब, बाहर की कोई बात नहीं, चलो हम एक टीचर को भेज देते हैं। महावीर इधर आओ। मुकेश 3-4 बार जेल तोड़ चुका है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि अब की बार हमने सिक्योरिटी टाइट करनी है। हमारे डिपार्टमेंट को 2-3 बार ना कट चुकी है, इसलिए हमने 2 एजेंट बुलाए हैं सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश 3 टैबलेट जेल तोड़ चुका है। हाँ, काफी सुना है उसके। चलो अब देखते हैं उसको, हम दोनों आ गए। हाँ, अब देखेंगे उसे। ठीक है, चलो। उठो उठो। ओह, क्या हुआ सर? ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों सो रहे हो? आप टेंशन मत लो सर, इन सबको बंद करो। मेन क्वेश्चन बता दी गए हैं आपको। आपका बहुत ही मुश्किल लगता है पास होना। सर, मैं कल सबको हैरान कर दूंगा, और ये छोटे मोटे सब्जेक्ट तो छोटी मोटी बात है, देखना आप। कल देखेंगे तुम्हें क्या करते हो। अरे यार, यहाँ पे तो आराम से सोने भी नहीं देते। हेलो सर, कैसे हो? फाइन सर। आप तो मारे होंगे, जाओ हो। अरे यार, कई दिन तुम्हारे नाक में दम कर रखा। हम देखते हैं उसे। चलो सर, बिस्कुट खाइए और सेहत बनाइए। चलो आओ। बच्चे ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, आपको बुला रहे हैं। चलो ऐसा करना, यहाँ से लेफ्ट लेना और आगे से राइट। ओके सर, थैंक यू सर। चलो अब देखते इसको। यार गवर्नर तो बहुत पतले हैं यार। हाँ यार, उसकी बीवी ने बहुत तंग कर रखा होगा। यही कमरा था ना? हाँ यही बता रहे कमरा। चलो इसे देखते हैं। अरे यही क्या मुकेश सेन? ओ चल उठ यहाँ से मुकेश सेन। चलो बे। अरे मुकेश, चल खड़ा हो। अरे आप भारद्वाज सर, कैसे हो? हम तो ठीक हैं। परीक्षा है आज आपकी? क्या आज ही है क्या मेरा एग्जाम? अरे तुम तो तैयारी भी नहीं हुए, जल्दी करो। ओके सर, सिर्फ आप मुझे 10 मिनट का टाइम दे सर, मैं अभी तैयार होता हूँ सर। बस मैं सेव कर लेता हूँ, बस जल्दी करो, जल्दी करो। वो केस का सभी सामान उठा कर आना है, जो भी कैची वगैरह है सेविंग करने के बाद। ओके हाँ, वरना वो कुछ होशियारी करेगा। यही बात है, ठीक है। चल दे ये कैप दे। ये कैप तो मैं आपको नहीं दे सकता सर, सॉरी, क्योंकि ये कैप ना मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी रही है। देखो मुझे ऊपर से ऑर्डर है, ये कैप लेके जानी है।
अगर ये कैब भी चली गई ना सर तो फिर मैं एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा, इसलिए आप प्लीज इस कैब को तो मेरे पास देने दें। चलो ठीक है, थैंक यू सर। रुकिए, किससे काम है आपको? मुझे गवर्नर ने बुलाया है, यहाँ पर कोई कैदी पेपर देना चाहता है, मैं शिक्षा बोर्ड से आया हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये सब क्या है सर? यहाँ की पल पल की खबरें रखना चाहता है, गवर्नर साहब बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूँगा सर, जो मेरे लिए यहाँ पे माइक लगाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, तुम पर सख्त निगरानी रखनी जरूरी है। आइए सर, ये है मुकेश से। अच्छा तो ये हमारे आइंस्टीन। चलो भाई जल्दी से उठो, एग्जाम के लिए तैयार हो ना, तो फिर आओ, हम पहले भी लेट हो चुके हैं। और ये लो, ये पकड़ो और जल्दी से पेपर शुरू करो। एग्जाम कैसा, ये तो हमारा प्लान था, पर क्या करें, ये महारथी यहाँ पे आके बैठ गए, इनको उठाना पड़ेगा यहाँ से। सर एग्जाम तो मैं कर लूँगा, पहले आप इनको बाहर भेजो, क्योंकि इनके सामने है ना मेरे को कंफर्ट फील नहीं हो रहा, तो फिर मैं एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। ओके अमित, ये कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, इसलिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। ओके ठीक है सर। अब तो सब कुछ ठीक है ना, करो अब। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तानी सर, उसे कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। तुम अंदर चलो, वो चीटिंग करेगा फिर, ध्यान रखिए उसका। तुम अंदर चलो, वो चीटिंग करेगा फिर। वो बात नहीं सर, मैं सब संभाल लूंगा, मैं बाहर से भी निगरानी रख लूंगा सर, वो बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। तीन चार बजे जेल तोड़ चुका वो। ओके ओके सर, आप दो नंबर जा रहे हो सर, ठीक है सर। आपकी क्वेश्चन सीट में है ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं करेक्शन सीट मंगवा रहा हूँ। ओके तब तक आप करो। हेलो सर, हमारे एग्जाम में सर कुछ मिस्टेक्स आ गई, तो मैं करेक्शन सीट मंगवा रहा हूँ सर, अगर आपकी अनुमति हो तो। क्या करेक्शन सीट? उनको आप अंदर आने देना सर। हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हो? करेक्शन सीट देने आया हूँ। जरा चेक करने दीजिए, सीट दिखाइए आपकी। हेलो हेलो सर, एक आदमी आया है करेक्शन सीट लेके, उसे अंदर आने दो क्या? ओके सर ठीक है, आप जा सकते हो। ए अंदर कहाँ? करेक्शन सीट लेके आया हूँ। लाओ मुझे दो, मैं दे देता हूँ। पहले अपना सीट नंबर लिखो 313 और सेंटर नंबर 271। हाँ और ये ऊपर है गोल्डन लायन। अरे फर्स्ट में देखो ऊपर, हाँ ये वाला है ना, ये गोल्डन लायन है। ओके समझे कुछ? ठीक है ठीक है ठीक। अरे यार ये टाइम कितना स्लो चलता है, क्या करें अब, क्या कुछ लिखना तो आता नहीं, क्या करें, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो एक गवर्नमेंट का चमचा बाहर से देख रहा है, क्या करें यार, आज तो यहाँ से भागना ही है हर हाल में। अरे सर क्या फंडा आ गया मेरे सामने, कब तक बैठा रहूँ? एग्जाम का टाइम पूरा भाई। लो सर अब एग्जाम खत्म हो गया सर। हाँ एग्जाम खत्म भाई।
ओके सर, अब यहाँ से मैं चला जाऊंगा। थैंक यू सर। एक बार देख तो ले मुकेश को, उसका हालचाल पूछ लेते हैं, फिर कॉफी पीने चलते हैं। सर को बुलाने साथ में? हाँ ये ठीक रहेगा। वो मुकेश भाग गया। ओ, भाग गया वो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत चोट आई है। पर मुकेश कहाँ गया? हॉस्पिटल नहीं, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है। कहाँ गया वो? बल्ला की दुकान का नहीं, उसे पकड़ो। सर मुकेश, मुकेश भाग गया है। तुम कहाँ थे? मैं सर यहीं था। तुमने अच्छी तरह सिक्योरिटी की होगी? सर रखी थी, मगर मैं ही उसे बात कर गया। मैं तो थी। सर पता नहीं वो टीचर का भेष बना के चला गया। ऐसे कैसे भाग गया? पता नहीं सर, वो मेरे साथ ही गया था, मैं गेट के पास छोड़ गया। तुम ही गेट के पास छोड़ गया उसे? सर मुकेश भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया? इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी कैसे कैसे भाग गया? पता नहीं सर, मैं इसकी इसको खड़ा। तुम कहाँ गए थे? मैं दोनों बार गया सर, 5 मिनट के लिए। सर वो टीचर के बेस में आया था और चला गया। टीचर कहाँ पे है वो? टीचर बहुत जख्मी हालत में है सर। वो उसने बताया कि वो बल्ला की दुकान का निगाह है, जरूर वो डेप्यूटी पे जिसका पापा सर। हम उसे पकड़ लाएं। मैं उसे देखता हूँ, तुम लोग उसे ढूंढो। ठीक है सर। ठीक है सर। सीट नंबर 313, सेंटर नंबर 271। अरे ये तो किसी जगह कोड लगता है, चलो मैप में देखते हैं। अरे यार समझ में नहीं आता कौन असली कौन नकली है, चलो हम देखते हैं। जनाबे थक गए टोंदे टोंदे आपा तो। अजय फेरे बैठा डा सी। बताओ तो थे मुन्ने भी सुनी है। कोने बीड़ी बाड़ी चाल मुल्की के ले जाएगा ना थक गए यार। ओड़े ओहो बीड़ी कौन चाल तो फिर मुकेश यू आर अंडर एरेस्ट, भागने की कोशिश मत करना। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, पर आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? अरे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतने लंबे हैं जो मुझ तक पहुंचे हैं। इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी तुम भागे कैसे? महंगाई की इस दुनिया में सब कुछ आसानी से मिल जाता है सर, इंसान तो एक छोटी सी बात है। मैंने सर से पहले उस टीचर को खरीदा, बाद में एग्जाम के लिए आया था। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। हेलो मुकेश, उठो उठो जल्दी उठो। अरे अब इस टाइम कौन आया? मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ, सीधे होके बैठ जाओ। आइए सर बैठिए, तब आप मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया करेंगे। यस। पहले चोरी चकारी करते रहते हो, फिर मेरे जैसे टीचरों को दुखी करते रहते हो, ये कहते हो हमारी टेंशन है? अरे सर टेंशन को छोड़िए और आइए, मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अरे सुनो तो सर, आप
थोड़ी सी हेल्प करें मेरी और फिर देखो मैं आपको मालूम माल कर दूंगा। कब तक ये ऐसे टीचर की नौकरी करते रहोगे सर? हम जैसों के साथ रहो, मजे करो। तुम अपना प्लान बताओ सीधे आकर। हाँ वाओ, आपको बाहर कुछ मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे और वो जो आपको दें वो मुझ तक पहुँचाना है, बस आप इतना कीजिए। ये बात तो छोटी सी बात है। ये सब आपके लिए छोटी बात है सर, और फिर भी अगर आपको हमारी कभी जरूरत पड़े तो एक बार याद कीजिए, बस बंदा हाजिर होगा। चलो तुम्हारा काम हो ही जाएगा। ठीक है सर। मुकेश ने बोला, मुकेश ने भेजा ना मेरे भाई, मुकेश ने भेजा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो तू अब हमारी पार्टी का है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तू अपनी पार्टी है, पीछे देखती रहे ना मास्टर, कल तक हमारा भाई छुटना चाहिए। वो भाई गिनर की टांग करते रहे पूरे पाव में ठीक से। हाँ, और वो जो जो मान सम्मान दे ना सोच सास का, वो सारा का सारा जेल में पहुंच जाना चाहिए और कल तक हमारा भाई बाहर होना चाहिए हर हाल में ठीक से। क्या मास्टर चीले तेरी जीत गए थे मजाक नहीं भाई, सही बात है, मना ही करना चाहिए, वहाँ अकाल से बाहर होना चाहिए। ठीक है भाई, हो जाएगा अपना काम, हो जाएगा ठीक। तुमने ओरिजिनल टीचर को भी किडनैप करवाया, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, चलो ले चलो इसे।